एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सिंपल किचन। इंडियन सिंपल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको स्टीम पोहा बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है क्योंकि इसे बिल्कुल बिना ऑयल के बनाया जाता है गाइस। इसलिए ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल जिस तरीके से हम आम दिनों में पोहे को तैयार करते हैं उससे बिल्कुल अलग होता है। तो इसे एक बार अपने घर पर ज़रूर बनाएं, क्योंकि भाप में बने हुए पोहे जो होते हैं उनका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है, काफ़ी फ्रेशनेस होती है इस पोहे के टेस्ट में। तो चलिए चलते हैं अपने किचन की तरफ और जानते हैं इस प्यारी सी और हेल्दी सी रेसिपी का राज। तो इस भाप से बनने वाले पोहे के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है पोहा, यानी कि इसे चूड़ा भी कहा जाता है, जिसे मैंने बिल्कुल वाटर से अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है गाइस। इसके बाद ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, इसका ध्यान रखें। तो ये काफ़ी ड्राई हो चुका है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे ले लिया है एक छोटे साइज़ का प्याज, जिसे बिल्कुल बारीक काट लिया है। एक छोटा सा आलू ले लिया है, जिसे बिल्कुल क्यूब्स में काट लिया है। छोटे छोटे टुकड़ों में टमाटर भी काट लिया है, जो कि मैंने यहाँ पे टमाटर बिल्कुल छोटा सा ही यूज़ किया है। इससे ज़्यादा बड़ा टमाटर इसमें ना डालें, क्योंकि हमारी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे एक नींबू का टुकड़ा ले लिया है और ले लिया है हरा धनिया, जिसे बिल्कुल बारीक काट लिया है। दो हरी मिर्च ले ली है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बना लेना। तो मैंने एक बाउल पे पोहे को ले लिया है, उसमें मैं डाल दूँगी स्वाद के अनुसार नमक। नमक को डालने के बाद में मैं इसमें डाल दूँगी हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। हमें इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इससे और भी कोई एक्स्ट्रा मसाला हमें इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है गाइस, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे एक बर्तन में डाल देते हैं। तो कोई भी बड़े मुँह का बर्तन या प्लेट ले सकते हैं और उसमें इस तरीके से पोहे को फैला दें अच्छे तरीके से, और किसी भी बर्तन में आपको पानी को बॉयल कर लेना है और उसमें इस तरीके से इस बर्तन को रख देना है ताकि अच्छे तरीके से स्टीम हो जाए। तो आप देख सकते हैं पोहा जो है हमारा बिल्कुल स्टीम होने के लिए रेडी हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे एक पैन में पानी को थोड़ा सा बॉयल कर लिया है, बिल्कुल कम पानी में इसे रखें, बहुत ज़्यादा पानी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इसे हमें बिल्कुल ढक देना है 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाएगा। तो 10 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं, ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टीम हो चुका है। तो आप देख सकते हैं भाप में बने हुए पोहे हमारे काफ़ी खिले खिले हैं और काफ़ी अच्छा इसका कलर भी आया है। तो चलिए मैंने अब एक बाउल ले लिया है, उसे निकाल लेते हैं। काफ़ी गर्मा गर्म है ये, आप देख सकते हैं गाइस कि मैंने इसमें बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है और हमारे जो पोहे हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट और टेस्टी से बन के तैयार हो गए हैं। तो पोहे को मैंने बाउल में निकाल दिया है। इसी के साथ मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया। हरा धनिया इसमें ज़रूर डालें, इससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। इसी के साथ मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर और प्याज, और इसी के साथ मैं इसमें डाल दूंगी बॉयल किए हुए आलू और हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पे दो हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को डालने के बाद में हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है गाइस। तो चलिए इसमें थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं, यानी कि अगर आप बिल्कुल भी ऑयल नहीं खाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी इसे स्किप कर सकते हैं गाइस, बट अगर आप इसे डालेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल दुगना हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ऑयल का इस्तेमाल किया है और उसमें डाल दिया है करी पत्ता। इसी के साथ मैंने इसमें डाल दिया है राई के दाने, और इसी के साथ मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 टीस्पून से भी काफ़ी कम शुगर। तो इसे मेल्ट होने देते हैं और इसकी जो खुशबू है वो बिल्कुल सौंधी सी आ जानी चाहिए, तब हम इसका तड़का जो है वो अपने पोहे में लगा देंगे। तो ये जो ऑयल मैंने इसमें डाला है वो काफ़ी कम है, तो इसे आप बिल्कुल डाल सकते हैं पोहे के ऊपर में। तो अब मैं इसका तड़का पोहे के ऊपर में लगा दूंगी, ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है, और इससे जो इसकी खुशबू है वो दुगनी हो जाती है, क्योंकि पोहे में अगर हम करी पत्ता यूज़ ना करें तो उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल अधूरा सा रह जाता है। इसलिए इसे ज़रूर डालें और इसे अच्छे तरीके से हमें मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद में हमें इसमें डाल देना है लेमन जूस।
ताकि हमारा जो पोहा है बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाना चाहिए और इसका टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। तो मैंने इसमें अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मिला दी हैं, आप देख सकते हैं। अब मैंने लास्ट में इसमें डाल दिया है लेमन जूस, ताकि जो इसका टेस्ट है वो काफ़ी परफेक्ट आ जाए गाइस। तो आप देख सकते हैं गाइस कि मैंने इसे बिना ऑयल के बिल्कुल भाप में बनाकर तैयार कर दिया है। तो इसे ज़रूर खाएँ, बहुत ही हेल्दी है, बिना ऑयल के तैयार किया गया है इसे। तो अपने घर पे इसे ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी टेस्टी, काफ़ी चटपटा और बिल्कुल मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में इसे ज़रूर खाएं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं, ज़रूर इंजॉय करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपने इसे किस तरीके से बनाया है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, जिससे आपको मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत ईजली मिल जाएगी। तो मिलती हूँ आपके साथ में ऐसी ही आसान सी और बिल्कुल घरेलू सी रेसिपी को लेकर के। टिल देन, बाय बाय गाइस।